भोपाल शहर की नामी रेडिसन होटल पर एक परिवार ने धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया है। ये परिवार होटल में खाना खाने के लिए गया था, उसी दौरान उन्हें खाने में गड़बड़ी लगी, जिसके बाद पता चला कि उन्हें वेज की जगह नॉनवेज परोस दिया गया। मामला भोपाल के रेडिसन होटल का है। रितेश गुप्ता ने बताया कि उनका परिवार रेडिसन होटल में खाना खाने के लिए गया था। परिवार के लिए वेज खाना ऑर्डर किया गया था, लेकिन जब ऑर्डर आया और बच्चों ने खाना शुरू किया तो लगा कि खाने में कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद पता चला कि शाकाहारी की जगह उन्हें मांसाहारी भोजन खिलाया जा रहा है। रितेश गुप्ता और उनके परिवार ने होटल पर उनका धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया है। तो पिज्जा आया तो बच्चों ने पहले ही खाते जैसे ही खाया वैसे ही बोल दिया इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, नॉन वेज टाइप का कुछ दिख रहा है। तो उनके वेटर से पूछा कि ये वेज पिज्जा है कि नॉन वेज पिज्जा है। तो उसने वेटर ने जब उसको देखा वो चेक करके बोला कि सर गलती है भाई, ये चिकन पिज्जा आएगा। हमने कहा आपका सेपरेट चिकन अपना किचन है ये, तो वेज किचन से ये चिकन पिज्ज़ा कैसे आया? तो उसका उनके पास कोई जवाब था नहीं। तो उनके मैनेजर से भी हमने कंप्लेन करी तो मैनेजर ने बोला सर गलती तो हो गई है, तब उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये तो सीधा सीधा आप जो आदमी ने अंडा तक नहीं खाया उसको आप चिकन खिला रहा, तो ये तो सीधा सीधा धर्म भ्रष्ट कर रहा है ना रेडिसन होटल ग्रुप। इस घटना पर हिंदू संगठनों ने भी नाराजगी जताई है। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश ठाकुर ने चेतावनी दी है कि यदि शासन प्रशासन ऐसे होटलों पर कार्रवाई करते हुए तालाबंदी नहीं की तो राष्ट्रीय बजरंग दल सीधी कार्रवाई करेगा। नॉन वेज परोसा गया, मांस का सेवन कराया गया, वास्तव में यह घोर निंदनीय है। रेडिसन होटल जैसी बावड़िया कला में जो होटल बनी हुई है, ऐसी होटलों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आदि हम मांग करते हैं प्रशासन से, शासन से मांग करते हैं मध्य प्रदेश शासन से कि इस प्रकार की होटल को जो बढ़ावा दिया जा रहा है ये घोर निंदनीय है। इस प्रकार की होटल पे जल्द से जल्द तालाबंदी होना चाहिए। आदि इन होटलों पे कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन के द्वारा शासन के द्वारा तो राष्ट्रीय बजरंग दल सड़क पे उतरेगा और ऐसी होटलों को सबक सिखाने में राष्ट्रीय बजरंग दल अपने हाथ में कार्रवाई लेकर सीधी कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।